जाम निकल गया ना, जाम निकल गया ना, कोई दिक्कत आ रही है? वो बोले आग लगा के जाम कर लो। नैशनल हाईवे दे उत्ते कावड़ियां दे वलो जम के हंगामा किया गया है ते एक गड्डी दे विच बुरे तरीके दी भन तोड़ की गई है। कावड़ियां दे वलो इल्जाम लगाए गए ने कि इस कार सवार ने एक कावड़िए नू टक्कर मार दिती, जिस दे कारण उन्हां दे वलो यह जम के हंगामा किया गया। तां खबर मुजफ्फरनगर यूपी तो सामने आई है, जिथे कि कावड़ यात्रा चल रही है अते इसे दौरान एक कावड़िए दे नाल हल्की जिही एक कार टच हो जाती है, जिस तो बाद कई कावड़िए गुस्से दे विच आ जाते हैं। पहला तो उन्होंने वालों कार सवारां दे नाल कुटमार की जाती है, तो कुटमार करन तो बाद उन्हां दा गुस्सा होर वध जाता है अते कार दे विच बुरे तरीके की भन तोड़ की जाती है। तो इस दे नाल ही उन्होंने वालों नैशनल हाईवे दे उत्ते भी जाम लगाउण की कोशिश की गई, पर समा रहिंदे कहा जा रहा है कि पुलिस मौके दे उत्ते पहुँचती है अते कावड़ियां दे गुस्से नूं शांत किया जाता है। दस दिए कि एक कार हल्की जिही टच हो जाती है कावड़िए दे नाल, ते उस तो बाद दे विच कावड़ियां दे वलों जम के हंगामा किया गया। तो मौके दीआं तस्वीरां सामने आईआं ने, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि कावड़ियां दे वलों भी शरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। गड्डी दी छत दे उपर चढ़ के जो छाला मार रहे ने, गड्डी दे विच भन तोड़ की जा रही है। तो यह सब तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कावड़ियां दे वलों किन्ने बुरे तरीके दे नाल रोड दे उत्ते हंगामा किया गया। हालांकि आले दुआले दे लोगों दे विच इक वार तां दहशत फैल जाती है, पर मौके दे उत्ते पुलिस प्रशासन पहुँचता है अते बड़ी ही मुश्किल दे नाल कावड़ियां नूं समझाया जाता है। हालांकि मौके दे उत्तों ही कहा जा रहा है कि कार सवार भी फरार हो गए ने। Hey, I'm in the air! I'm in the air! I'm in the air!
देखिए भाई, ये बड़ेरी कट थाना छपार का ये कट है तिराहा। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ कावड़ियों द्वारा लक्ष्मी फूड प्लाजा के पास रोककर और किसी चारपहिया वाहन जो उसमें लोग बैठे थे उनके साथ मारपिटाई किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची और यह कावड़िये मौजूद थे। कावड़ियों से वार्ता की गई, कावड़ियों ने बताया कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पहले उन्हीं के ग्रुप से एक कावड़ियों ने ये बात बताई कि किसी चरपहिया वाहन से उनके कावड़ में गाड़ी टच हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो कावड़िए थे उन्होंने उस गाड़ी का ओवरटेक किया और इस लक्ष्मी ढाबे के पास रोककर उनके साथ मार पिटाई की। कावड़ियों से वार्ता के क्रम में कावड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कावड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतोगत्वा कावड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ ढाबे पर CCTV कैमरा लगा भी है। हम लोग पूरे घटनाक्रम का फुटेज DVR से निकाल रहे हैं और उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख के फिर आगे की छानबीन भी करेंगे कि हुआ क्या था। देखिए पुलिस के कर्मी सभी मौजूद हैं, अभी सभी पुलिस वालों से भी बात हो रहा, चूँकि यहाँ पर यहाँ दो पुलिसकर्मी जो भ्रमण में थे वो पहुँचे थे, पूरा वाक्य उन्होंने ऊपर ब्रीफ भी किया था। सर गाड़ी मालिक का पता है किसकी है? अभी उस बारे में पता नहीं चल पाया, चूँकि अभी हम लोग पहुँचे हैं मौके पर स्पॉट पे और पता कर रहे हैं, सब कुछ अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। कोई कावड़िया घायल नहीं है, सभी कावड़िया सुरक्षित है और उनका कावड़ खंडन नहीं हुआ है और वो सकुशल अपने गंतव्य के लिए आगे निकल गए हैं।